मैं शाली आनंद पीसीएलसी न्यूज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं सभी लोग बोध नंद बोध विहार निषाद पार्क में। यहाँ का वातावरण आप लोग देख सकते हैं, एकदम शांतिमय है और यहाँ का लोकेशन इतना खुशनुमा है, इतना अच्छा है कि क्या बताएं हम आपको, मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते अपने शब्दों में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि ये हमारे हैं भदंत बोधनाथ महास्थापित। इनका जन्म 13 जनवरी 1874 में हुआ था और ये इनका परिनिर्वाण जो है 11 मई 1952 में हुआ था। ये यहाँ के संस्थापक थे इस बौद्ध विहार निषादार पार्क के, ये यहाँ के संस्थापक हैं। इनकी जो स्टैचू बनी हुई है ये आप लोग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इस यहाँ इस पार्क की ये खासियत है बौद्ध विहार की, यहाँ पे हमारे बाबा साहेब यहाँ पे वो 2 बार आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बौद्ध सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो है सन 1948 में आए थे और फिर 1951 में भी आ चुकी हैं। और इसी के साथ हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि यहाँ का प्रदर्शन इतना अच्छा है कि क्या बताएं। आप लोग देख सकते हैं हमारे कैमरा के जरिए, आप यहाँ का लोकेशन देख सकते हैं। बुद्धा की स्टैचू इतनी खुशनुमा है कि शांति में यहाँ पे है, इसका एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर सकती, बस दिखा सकती हूँ और सबसे बड़ी बात है। और मैं यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो मैं कुछ इन लोगों से कुछ क्वेश्चन कर सकती हूँ, पूछ सकती हूँ कि यहाँ पे लोग क्यों आए हैं, किस लिए आए, इनको क्या अच्छा लगा क्या नहीं, तो ये मैं इन लोगों से पूछ सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, आप प्लीज़ बता सकती हैं कि आपने जो है जो गौतम बुद्ध जी का मार्ग आपने क्यों चुना है? आप गौतम बुद्ध जी का मार्ग पे चल रही हैं, आप क्या जानती हैं बुद्धिज्म के बारे में क्या जानती हैं? मैं प्रीति आनंद बालक लखनऊ से आई हूँ यहाँ पे। और आप क्वेश्चन करिए कि हम बौद्धिज्म के बारे में क्या जानते हैं और इसको हमने क्यों अपनाया? जी जी राइट। तो हम बौद्धिज्म के बारे में इसको क्यों अपनाया, पहली बात तो यही है, इसमें इक्वालिटी है, आज़ादी से हम जी सकते हैं और कहीं भी बैठ सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। और हमारे गौतम तथागत गौतम बुद्ध ने भी ये बोला था, अगर कोई भी विद्वान आपको बोलता है कि ये कुछ भी बोलता है कि आप मेरी बात मान लो, जी तो हमारे तथागत बौद्ध जी ने बोला था कि किसी भी अगर विद्वान भी आपसे बोलता है कि ये बात आप मानिए तो आप उसको तुरंत मत मानिए, आप अपनी तर्क बुद्धि से सोच विचार के उस पर तर्क करके उसी पर तभी आप उस पर कोई भी निर्णय। अच्छा अच्छा तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये बताइए कि जैसे मैम ने बोला है कि उनके मतलब उनका मार्ग अपनाना चाहिए क्यों, अच्छा आप ये बताओ उनका बौद्धिज्म जो है हमारा, हमें बौद्धिज्म अपनाना क्यों चाहिए, क्या है उसके? मेरा नाम मनु आनंद है, हम बालागंज लखनऊ से आए हुए हैं। तो जिस तरीके से आपने पूछा कि हमें क्यों अपनाना चाहिए, तो क्योंकि बुद्धिज़्म में मैंने उसे इसलिए अपनाया कि इसमें है एक फ्रीडम, एक आज़ादी है, इसमें है अपने विचारों को रखने की आज़ादी, अपने सोचने की आज़ादी और इसमें है परिवर्तन को, जो भी बदलाव होते हैं हमारे जीवन में उसको हमें ग्रहण करने की। अच्छा। और उसके बाद होता है कि जो भी बुद्धिज़्म को वही लोग अपना सकते हैं जो अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं, पर क्योंकि बुद्धिज़्म जो है वो है परिवर्तन, प्रतित्व समुत्पाद, जिस तरीके से बुद्ध ने बताया कि हर क्षण बदलता रहता है, हर पल बदलता रहता है, वो स्थिर कुछ भी नहीं है उसे, और सारी चीज़ें अनित्य हैं क्योंकि जो आज अभी है वो बदलने वाला है, अभी हमारे जिस तरीके से मानसिक स्थिति है वो थोड़ी देर के बाद बदलने वाली है। इस वजह से ये चीज़ें मुझे बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करी कि हम एक फ्रीडम है कि हम अपनी बातों को रख सकते, अपने मन को देख सकते, जिस तरीके से बुद्ध उन्होंने खुद को चैलेंज किया था क्योंकि दुनिया ने बोला कि तुम ये नहीं कर सकते, लेकिन बुद्ध बोले कि नहीं मैं कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने करने के बाद और फिर वो लाए कि जो बीएस है, बुद्ध ने बताया कि हम लोग देखते रहते हैं डेली रूटीन में देखते रहते हैं कि, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे बुद्ध ने बताया 4 8 सत्य कि दुख है,
सभी के पास दुख है, दुख का कारण, अगर दुख है तो उसका कारण भी है, अगर कारण है तो उसका निवारण भी है, और निवारण है तो उसका मार्ग भी है। तो उसी तरीके से बुद्ध ने बताया कि हम इन सारी चीज़ों को हम मानते हैं हमारे पास, लेकिन हम उसको मानते नहीं। अगर हम मान जाएंगे तभी हम जा कर के अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी प्रभावित किया और उसके बाद मैंने अपने लाइफ को बदला, और जब से हम बुद्धिज़्म को अपनाए उसमें आए तो एक अलग ही लगता है कि बहुत सारे मेरे दोस्त बने हैं, बहुत सारी जो अपने जो रिश्ते हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके आदत सामाजिक रिश्ते मेरे बहुत सारे बने जो एक अच्छा एनवायरनमेंट हमें देते हैं, और हमें ये कभी नहीं बताते कि तुम ये कर नहीं सकते हो, हमें ये बताते हैं कि तुम कर सकते हो और जो भी तुम सोचोगे वो कर सकते हो, और हमारी सोच के हिसाब से ही हमारा जीवन आधारित होता है, हमारा जीवन उसी तरीके से ढलता है जिस तरीके से हम अपना माइंडसेट बनाते हैं। जैसा अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे आसपास का माहौल भी वैसे ही होगा, अगर हम पॉजिटिव सोचते तो उसी तरीके से हमारा। और बुद्ध भी बोले कि सबसे ज़्यादा क्या है कि आप खुद को पहले जान लो, क्योंकि क्या है कि हम हमेशा दूसरे के संपर्क में रहते हैं, हम अपने संपर्क में कभी नहीं रहते। तो जब हम अपने संपर्क में आएंगे तभी जा करके हम कुछ आगे कर पाएंगे। तो इसके लिए चलिए बहुत 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 धन्यवाद मंजिला आनंद जी आपका, और इतने सारे गाय से मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, मैम आप बताइए कि आप स्टूडेंट हो गए, मैक्सिमम सभी लोग स्टूडेंट हो गए यहाँ पे, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप स्टडी कर रही होगी, पढ़ाई कर रही होगी राइट, तो आप ये बताइए कि जब आप पढ़ती हो तो अपना माइंड सेट आप कैसे बनाते हैं, क्योंकि बाहर के बाहर वातावरण से इन्वायरमेंट से जुड़े ना जानते भी अरे इतना पॉल्यूशन के और भी नॉइज़ पॉल्यूशन ठीक है, तो उसको अपनी कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अपनी स्टडी पर कैसे लगाएंगे क्या? मेरा नाम प्रिया है, मैं बाहर में जाना चाहती हूँ जी, और मैं बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन एक बेस है, तो मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। सबसे पहले ये बात कि मेडिटेशन करने से हमारी जो मनोस्थिति है वही हमारी मनोदशा होती है, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही आगे होता रहता है। तो मेडिटेशन, और बुद्ध जी कहते हैं कि हम अपनी बात को कम शब्दों में किसी को समझा दें ताकि उसको कोई किसी तरीके का खेद ना हो हमारे से। और जैसा कि मेडिटेशन से याद आया कि अभी 21 जून को हमारा योग दिवस आने वाला है, तो सब लोग मनाएंगे, हर कोई मनाएगा, लेकिन इसके बारे में कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से हुआ, इसकी जानकारी शायद मैक्सिमम ही कर सभी लोगों को होगी। तो मैं जानना चाहूँगी 21 जून को जो हमारा योग दिवस मनाने वाला है उसके बारे में आप कुछ बताइए। मैं पूनम गौतम हरियाणा तकनीक से, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो आप योग दिवस आप मनाएंगे आज के, क्योंकि आज अशांति है, सभी इतनी परेशानियाँ हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं समाज में कि हम अपने मन को शांत नहीं रख पा रहे, तो योग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो जिससे हमारा मन शांत रहता है। ये इसकी शुरुआत हमारे बुद्धिज़्म से हुई है, क्योंकि बुद्ध ने जब विपश्यना से शुरुआत हुई, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो विपश्यना है, उसी को ही आज आधुनिक रूप में योग नाम दे दिया गया है। तो विपश्यना है जो एक मन की प्रक्रिया को शांत करने का तरीका है कि आपके अंदर इतनी अशांति है, समाज में इतनी अशांति है, उसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे। तो जब तक आप अपने ध्यान, अपने मन का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक आप और चीज़ों पर ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि जब मन स्थिर होगा तो सारी चीज़ें स्थिर होंगी। आज के युग में जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं बहुत परेशान रहते हैं, उनपे एग्ज़ाम का प्रेशर है, तो अगर वो योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो उनका पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा और वो एग्ज़ाम को ईजिली बीट कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ बहुत बहुत साधुवाद कहना चाहती हूँ शानी आनंद जी का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे देखा आपने, सबने अपना अपना बुद्धिज्म के बारे में अपने अपने विचार रखे हैं आपने, और बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपने सबके विचार रखे, तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें, मतलब बुद्धिज्म का ही मार्ग क्यों हमारे लिए आवश्यक है, क्यों अच्छा है, सारा ह्यूमनिज्म के लिए क्यों अच्छा है? जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि तथागत गौतम बुद्ध जी का कहना था कि मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ, मैं मार्गदाता हूँ। मैंने मार्ग दिया है
और चलना या ना चलना वो आपके ऊपर है, क्योंकि उनका एक कथन था, एक कहना था कि अप दीपो भवा, खुद का दीपक स्वयं बनो, क्योंकि आपको जो है किस मार्ग को चुनना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप इस मार्ग को चुन लीजिए, आप इस चीज़ को चुन लीजिए, लेकिन नहीं, आप अपनी बुद्धि से, आप अपने तर्कपूर्ण बुद्धि से जिस भी चीज़ को आप जानते हैं या फिर आप देखते हैं जगह जगह पे, आज आपको जो है कहेंगे कि आप ये चुन लीजिए, आप ये चुन लीजिए, नहीं, आप पहले किसी भी चीज़ को जानिए, उसके बाद में मानिए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, साधु। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आप लोगों के विचार जानिए कि बुद्धिज्म के बारे में इतना अच्छे अच्छे नॉलेज आप लोग रखते हैं, जानकारी रखते हैं, और इसका और ज़्यादा आप लोग स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने जीवन में उतारिए, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और आज का हमारा चर्चा का विषय यही था कि हम अपने बुद्धिज्म को क्या कितना मतलब आगे फैला सकते, कितना जान सकते, कितना जानते हैं, पूरा बुद्धिज्म के बारे में हमारा चर्चा का विषय था, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सभी को बहुत बहुत साधुवाद।